जय राम जी की दोस्तों, राम राम, जय श्री राम सबको। दोस्तों आज मैं सूरन के बारे में बताऊँ, सूरन के फायदे। सूरन जमीन में होता है, गर्म होता है, लेकिन सर्दियों के टाइम पे खाना चाहिए। अगर आप सर्दियों के टाइम पे खाते हैं तो सर खांसी, सर्दी, जुकाम कुछ होने वाला। सूरन खेत में होता है, जमीन के अंदर बहुत गर्म होता है, बहुत। सर्दियों के टाइम पे उसको रोज खाना चाहिए। सर्दी जुकाम सिर दर्द कुछ हो गया नहीं, क्योंकि गर्म बहुत होता है, जमीन के अंदर होता है, और उसका फायदा भी है। आपकी बादी आदि नहीं होएगा उससे, बादी होता है ना, बादी वो भी नहीं होएगा उससे। सूरन को बढ़िया तरीके से बनाओ या कच्चा खाओ। कच्चा खाने से तो खतरा है, बोलते हैं गला खुजलाता है। अगर कच्चा खाते हैं तो गला खुजलाता है बोलते हैं। देखो सब्जी है ये, और जितनी भी सब्जियां हैं तो वो फायदा ही करती हैं। हरी भरी सब्जियां फायदा ही करती हैं। सूरन को देख लो, सर्दी जुकाम के लिए कितना फायदेमंद है। लेकिन हाँ एक बात है, उसका कोई टाइम टेबल होता है खाने का, तो उसको सही तरीके से बनाओ, ज़्यादा मसाला मत डालो। उसको बनाना है तो ज़्यादा मसाले में बनाएंगे तो मसाले ही का स्वाद आएगा, इसका कुछ नहीं आएगा। डर के मार के गला ना खुजलाए, गला नहीं खुजलाता है यार। देखो मैं आपको खा के बताता हूँ, कल मैं फिर बताऊंगा तुमको कि देखो ये यही सूरन है ना, ये देखो ये सूरन है ना, इससे गला खुल जाता है। तो मैं खा के दिखाता हूँ, बताऊंगा आपको फिर। कच्चा है ये, ये कच्चा है, ये सूरन है, कच्चा है बोलते हैं, गला खुजलाता है लेकिन नहीं खुजलाता। मैं बोलता नहीं खुल रहा था गला, कुछ नहीं, ये फायदा ही करेगा, नुकसान नहीं करने वाला। ये देखो कच्चा खा रहा हूँ, मेरे को मालूम है गला नहीं खुल रहा था इससे। चाहे कच्चा खा लो, सब्जी बना के खा लो, फायदा करेगा। कच्चा खाओगे ज़्यादा फायदा करेगा, लेकिन नुकसान नहीं करेगा। कभी नहीं, ये नुकसान नहीं करता। ये हमेशा फायदा करता। फिर अरे ये खाने की चीज है यार, मैं तो खा रहा हूँ। क्या है, जैसे आप धारणा बना लेंगे ना वैसा होता है। आप बोलेंगे गला खुजलाता है तो वो धारणा बना लिए, हमें तो बोलता नहीं खुजलाता, कुछ नहीं होता इससे, सब्जी है, नुकसान कभी करेगी नहीं। तो
ऐसा है भाई साहब कि जैसी करनी वैसी भरनी। इसलिए कुछ धारणा मत बनाओ, कच्चा खाओ, सब्जी बना के खाओ, कैसा भी खाओ, नुकसान होने वाला है नहीं, फायदा ही होगा। चलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, फिर मिलेंगे।